हमारी शिप मेक्सिको के पोर्ट पे पहुंच गई है और मैं एक दिन के एक्सकर्शन के लिए बाहर निकली हूँ। तो मैंने एक्चुअली चूज़ किया वाइन टेस्टिंग और ऑलिव ऑयल टेस्टिंग, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी विनरी है, वहाँ पे हमें ले जाया जाएगा। तो हमें एक बस में बिठा के ले जाया गया। इट वॉज़ लाइक 15 मिनट का रास्ता था, और ये जो हमारी टूर गाइड है वो हमें एलसे, इसका नाम है, ये यहीं की लोकल है, ये हमें कुछ कहानियां बता रही है इस शहर के बारे में, मेक्सिको के बारे में। शी इज़ रियली वेरी फनी एंड बहुत मज़ा आया उसकी बातें सुनने में और उससे बात करने में। तो हम ये वाइनयार्ड्स है यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये मेक्सिको का सबसे बड़ा वाइनयार्ड माना जाता है, और इनका ये मानना है कि यहाँ पे जो द पोप, इटली से जब वैटिकन सिटी से पोप आते हैं, तो इन्हें यहाँ से वाइन गिफ्ट की जाती है और पिलाई जाती है, उन्हें ये वाइन बहुत पसंद है। सो अंदर जाते ही मैंने देखा कि बहुत बहुत अलग अलग टाइप्स की वाइन दी, वाइट वाइन, रेड वाइन, पिंक वाइन जिसे रोज़ा रोज़े बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने सुना था लेकिन कभी टेस्ट नहीं किया था। तो यहाँ पे आके उन्होंने हमें बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो, कौन सी वाइन टेस्ट कर सकते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कभी गई नहीं हूँ इसके पहले वाइन टेस्टिंग सेशन पे, लेकिन मैंने सोचा ओके लेट मी गिव इट अ ट्राई, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और यहाँ पे मैंने 3 टाइप की वाइन टेस्ट की। एक्चुअली मैं ज़्यादा पी नहीं, आई कॉन्ट ड्रिंक सो मच, तो मैंने एकदम थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन उसमें मुझे रोज़े नाम की वाइन अच्छी लगी, तो मैंने एक बॉटल ले ली है। यू नो आई माइट गिफ्ट इट टू समबडी, पता नहीं, या घर में कोई पी ले। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। एंड लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं बाय द वे। सो देखिए हाउ इट इज़। वैसे इनका वाइन यार्ड है ना, वो थोड़ा अंदर में है, सिटी से बहुत दूर है काफ़ी, तो हम वहाँ नहीं गए, लेकिन मैं आपको उसका एक पिक्चर दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना उनकी यहाँ पे खुद ऑलिव ऑयल भी बनाया जाता है, तो इट्स रियली गुड, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। द प्रॉब्लम इज़ कहाँ क्या क्या लेके घूमे हम, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यू नो, क्योंकि इसके बाद मुझे और भी ट्रैवल करना है। तो इन्होंने ये ऑलिव ऑयल हमें दिया, लोकली बनाई, यहाँ की बेकरी है, वहाँ से ब्रेड बनाया था, चीज़ बनाया था, बहुत ही बेहतरीन था। सो आई टेस्टेड इट एंड आई रियली लाइक्ड इट। काफ़ी लोगों ने कुछ कुछ उठा लिया है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जो लोग आए हैं वो लोकल्स हैं, यहाँ के अमेरिकन्स हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं। सो दे बॉट सम स्टफ। सो ये वाइनरी काफ़ी सुंदर है, वेदर तो काफ़ी अच्छा था ही। तो बस देखिए ये जगह कैसी है, एंड हो गया बस वही करना था जो टेस्ट कर लिया हमने, वाइन और ऑलिव ऑयल। सैंटो थॉमस नाम की ये वाइनरी है, और मेक्सिको की ये सिटी है एनसेनाडा, जहाँ पे ये विनरी स्थित है, सैंटो थॉमस।